नवरात्रि में रोज चुपचाप दीपक में डाल दें ये एक चीज, पूरे साल जमकर बरसेगा पैसा, होगा सभी परेशानियों का अंत। दोस्तों, माँ अपने भक्तों की सभी कष्टों को दूर कर मनचाहा वरदान प्रदान करती है। कहते हैं जिसे माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो गई है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ की कृपा से सर्व सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि का पर्व सबसे ज़्यादा खास माना जाता है, क्योंकि यह पर्व माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार पूरे साल भर माता रानी की पूजा करने से माँ की इतनी कृपा प्राप्त नहीं होती जितने की नवरात्रि में करने से होती है। इसीलिए भक्त नवरात्रि के दौरान माँ का अधिक से अधिक पूजन पाठ करते हैं और व्रत करते हैं। माँ को समर्पित चैत्र नवरात्रि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू हो गए हैं और यह 30 मार्च को समाप्त होंगे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन के होंगे। जी हाँ, बता दें कि रामनवमी का जो महापर्व है, जिस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, और नवमी तिथि 30 मार्च को होगी और अष्टमी 29 मार्च को होगी, यानी कि 30 मार्च को नवमी के साथ रामनवमी का पर्व भी मनाया जाएगा। महाअष्टमी और महानवमी पर कन्या पूजन कर हवन किया जाएगा। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि तो बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि कई वर्षों बाद इस नवरात्रि पर हर दिन कई दिव्य दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इस नवरात्रि में माँ का पूजन करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन माता रानी धरती पर आ जाती हैं और नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक धरती पर अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं। जो भक्त इस दौरान माता रानी का पूजन करते हैं और व्रत करते हैं और माता रानी उनके सभी कष्ट दुख दरिद्रता का नाश कर देती हैं। माता रानी अपने भक्तों को मनवांछित फल यानी वरदान प्रदान करती हैं। नवरात्रि के दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। माना जाता है कि अन्य दिनों की अपेक्षा नवरात्रि के दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा या उपाय किए जाते हैं वह अतिशीघ्र ही शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। नवरात्रि के दिनों में उपाय करने का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में किए गए उपाय बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया नवरात्रि के दिनों में करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से माता रानी अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं, माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाती है। माता रानी अपने भक्तों के सभी कष्ट दुख दरिद्रता का नाश कर देती हैं और पूरे साल भर धन की कोई भी कमी नहीं रहती, धन का लाभ होता है। दोस्तों, उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। तो आइए दोस्तों, इस असरकारक उपाय के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यह उपाय आप नवरात्रि में प्रातःकाल या संध्याकाल किसी भी समय कर सकते हैं। उपाय करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। उपाय करने के लिए आप एक दीपक लें। आप मिट्टी का दीपक या फिर आटे का दीपक या फिर पीतल के कैसे भी दीपक ले सकते हैं। दिया लेने के बाद आप एक कटोरी लें या एक प्लेट लें, उसमें थोड़े से चावल रखें और चावल के ऊपर आप इस दीपक को रखें। दिए में आप घी भर के, अगर आपके पास घी नहीं है तो मीठा तेल या फिर सरसों का तेल भी ले सकते हैं, इसमें भर सकते हैं। दीपक में घी या तेल डालने के बाद अब आप इस दीपक में रुई की बाती लगाएं। आपको इस दीपक में खड़ी बाती लगानी है। अब यह प्लेट सहित दीपक माता रानी के सामने रख दें, फिर इस दीपक को जलाएं, फिर माता रानी को कुमकुम से तिलक करें और फिर माता रानी को भोग लगाएं, माता रानी को प्रणाम करें। फिर आप एक साबुत लौंग लें। दोस्तों, ध्यान रखें लौंग टूटी फूटी ना हो, आपको साबुत लौंग लेनी है और साबुत लौंग ही इस दीपक में डाल देनी है। दोस्तों, लौंग डालने के बाद
फिर आप माता रानी के मंत्रों का जाप करें और दीपक का मुख माता रानी की तरफ आप मोड़कर रख दें। दोस्तों, माता रानी को जब आप दीपक जलाएं तो आप उसमें साबुत लौंग रोजाना डालें। आप यानी कि नवरात्रि में आप रोज ये कार्य करें, आप दीपक जलाएं और दीपक में यानी कि नवरात्रि में रोज आप एक साबुत लौंग जरूर डाल दें। दोस्तों, जब दीपक जल जाए तो इस लौंग को आप यानी कि फेंके ना, ध्यान रखिएगा। इस लौंग को आप निकाल कर रख लीजिएगा और आप अपने धन के स्थान पर रख लीजिएगा, क्योंकि यह एक दिव्य लौंग हो जाती है। दोस्तों, ऐसा करने से घर से गरीबी दूर हो जाती है, निर्धनता दूर हो जाती है, कष्टों से छुटकारा मिलता है और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। रोज दीपक जलाना और लौंग उसमें डाल देना दीपक में, ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। इससे माता रानी की कृपा बरसती है और पूरे साल जमकर पैसा आता है, होता है सभी कष्टों का अंत। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है या फिर रोग पीड़ाएं परेशान कर रही है या फिर तरक्की नहीं प्राप्त हो पा रही, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार नहीं चल रहा, लड़ाई झगड़े आए दिन बनते हैं, तो आप माता रानी को चाहें तो आप चौमुखी दीपक भी जला सकते हैं। और फिर आप चौमुखी दीपक जलाने के बाद उसमें दो लौंग डाल दीजिए। दो लौंग डालने से भी आपके माँ की कृपा प्राप्त होगी, माँ की कृपा से घर के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आप चौमुखी दीपक नहीं जला सकते तो कम से कम एक दीपक रोजाना जलाएं, सुबह शाम जलाएं। माता रानी को सुबह जला दें और फिर शाम को जला दें, सुबह भी एक लौंग डाल दें और शाम को भी एक लौंग डाल दें दीपक में, तो इससे माँ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आप साबुत लौंग, ध्यान रखिएगा, डालनी है, टूटी फूटी नहीं डालनी है, या फिर आप चाहें तो आप एक रुपए का सिक्का ले लें। आप इस दीपक में एक रुपए के सिक्के में आप अपने नाम का पहला अक्षर लिख दें और इस दीपक में डाल दें। दोस्तों, बाद में जब दीपक बुझ जाए तो इस एक रुपए के सिक्के को आप यानी कि अपने धन के स्थान पर निकाल कर रख लें। धन की कमी कभी नहीं होगी, धन में वृद्धि होगी और आपके घर में धन की बाढ़ सी आ जाएगी, माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दीपक में आप चाहें तो आप इलायची भी डाल सकते हैं, इलायची डालने से भी माता रानी जी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। माता रानी को रोज एक दीपक जलाएं, उसमें लौंग या इलायची डाल दें, या फिर आप एक रुपए का सिक्का भी, चूंकि एक रुपए का सिक्का रोजाना नहीं मिलेगा तो लौंग सबसे आसान उपाय है, लौंग का ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे माता रानी खींची चली आती हैं और धन पैसों की, रुपए पैसों कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, नवरात्रि में रोजाना आपको ये उपाय करना है, दीपक में रोजाना लौंग डाल देना है। दोस्तों, ये उपाय अवश्य करिएगा, चमत्कार अवश्य देखेंगे। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय माता रानी।